गुड मॉर्निंग चुटपुर, कैसे हो? आई होप आप सब अपने घर में अपने फैमिली के साथ अच्छे से हो। चलो ठीक है बेटा, आज हम लोग फिर से क्या सीखेंगे? ई साउंड से कुछ वर्ड्स। मैंने आपको कल क्या सिखाया था? पी ई एन पेन, एच ई एन हैन एंड टी ई एन टेन। और आज हम लोग ई साउंड से ही कुछ लिखेंगे बट न्यू वर्ड्स। तो चलो आप भी अपनी कॉपी निकाल कर स्टार्ट हो जाओ और हम लोग साथ में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? एन स्मॉल सॉरी कैपिटल लेटर में लिखोगे, ई एंड टी, एन ई टी, नेट। नेट मीन्स क्या होता है बेटा? जाल। जाल होता है ना, जाली, कुछ भी पकड़ने के लिए, या फिर आपके घर में अगर एक्वेरियम होगा, फिश नेट जो होता है, एक जाल होता है जिससे आप कुछ भी पकड़ सकते हो। या फिर आप देखे होंगे जब बड़े से नदियों में कोई मछली पकड़ते हैं ना मछुआरा लोग, जाल बिछा कर, तो उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेट। चलो अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे? पी कैपिटल लेटर में लिखोगे, ई टी, पेट। अब पेट मीन्स क्या होता है? पेट मीन्स होता है पालतू, जिसे हम लोग पालते हैं, अपने साथ रखते हैं, जैसे पेट एनिमल बोलते हैं ना हम लोग, यानी जैसे हम लोग अपने साथ रखते हैं, पालते हैं। तो जैसे डॉग हुआ, रैबिट हुआ, ये सब क्या है? पेट एनिमल है, जिसे हम लोग अपने शौक के लिए अपने साथ रखते हैं ना, उसे अपने साथ सुलाते भी हैं, रखते भी हैं, खाना खिलाते हैं, हमारे साथ खेलता है, वो जागता है, सोता है, तो वैसे को क्या बोलते हैं? पेट, जो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खाना खा सकता है। तो कोई कोई कैट को भी रखता है, कोई डॉग को रखता है, कोई रैबिट को रखता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या लिखेंगे? डब्लू ई टी, वेट। वेट मीन्स में क्या होता है? गीला, यानी आप बारिश जब होती है तो आपके कपड़े भींग जाते हैं, भींग जाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग? वेट, मैंने हमारा जो ड्रेस है वो गीला हो गया है। जैसे मम्मा कपड़ा धोती हैं, आपके कपड़े को वॉश करती है ना, तो भी जब धूप में डालकर सुखाती हैं तभी तो सूखता है, नहीं तो वो गीला रहता है। तो गीले कपड़ों को क्या बोलते हैं? जो चीज़ गीला होता है, यानी कि वो वेट, यानी गीले चीज़ों को वेट बोलते हैं। तो आज हमने क्या लिखा सीखा? एन ई टी नेट, यानी जाल, पी ई टी पेट, जिसे हम लोग पालते हैं, रखते हैं अपने साथ, और डब्ल्यू ई टी वेट, यानी गीला। तो आप भी अपनी कॉपी में से कंप्लीट करोगे। चलो नेक्स्ट हिंदी में। हिंदी में आज बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? कुछ दिनों से मैं आपको दो अक्षर वाले शब्द सिखा रही हूँ, आज हम लोग क्या लिखेंगे? तीन अक्षर के शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द, यानी जो तीन अक्षर से बनता है उसे हम लोग तीन अक्षर वाले शब्द बोलते हैं। जैसे देखो ये दो अक्षर वाले हैं, ह और ठ, यानी दो अक्षर मिलकर शब्द बने ना हट, वैसे ही आज हम लोग तीन अक्षर वाले शब्द लिखना सीखेंगे। तो आप भी अपनी कॉपी में से लिखोगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? क ल म। तो ये तीन हो गए, काउंट करो, वन टू एंड थ्री, और तीनों को हम लोग एक साथ मिला देंगे तो ये एक शब्द बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे क ल म, तो क्या बन गया? कलम, जिसे हम लोग पेन बोलते हैं ना, लिखते हैं जिससे, उसे हम लोग कलम बोलते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे इधर? क म ल, तीनों को मिला दिए, क म ल, तो क्या हुआ? ये कमल, यानी लोटस, जो कमल के फूल होते हैं ना उसे लोटस बोलते हैं ना। तो यहाँ हमने दो तीन अक्षर से क्या लिखा? क ल म, कलम यानी पेन, और क म ल, कमल यानी लोटस। तो आप भी अपनी कॉपी में इसे लिखोगे तीन अक्षर वाले शब्द, ठीक है, और इसे कंप्लीट करो। चलो नेक्स्ट मैथ्स में। मैथ्स में बेटा हम लोग क्या लिखेंगे?
लास्ट हमने आई थिंक 90 तक कंप्लीट किया था. यस 86, 87, 88, 89 एंड 90. आज हम लोग 90 के बाद लिखना स्टार्ट करेंगे. तो 90 के बाद क्या आता है ये तो आप सबको मालूम है. यस 9, 1, 91. तो हम लोग पहले 9 लिखेंगे, देन 1, 9, 1, 91. उसके बाद हमें क्या लिखना है 9, 2, 92. देन 9, 3, 93. अब जब भी मैथ्स की कॉपी में मैथ्स की काउंटिंग लिखते हो बेटा तो ऐसे ही बॉक्स वाले कॉपी में ही लिखा करो. इससे क्या होता है कि आपकी जो हैंड राइटिंग हो वो नीट और क्लीन दिखेगी और बॉक्स में ही लिखने की कोशिश करोगे. इससे आपका क्या होगा बेटा हैंड राइटिंग जो है बहुत सुंदर दिखेगा. उसके बाद हमें क्या लिखना है 9, 4, 94. और उसके बाद हमें लिखना है 9, 5, 95. तो आज हमने क्या लिखा मैथ्स में 9, 1, 91, 9, 2, 92, 9, 3, 93, 9, 4, 94, then 9, 5, 95. तो आप भी इसी तरह से अपनी कॉपी में से लिखकर कंप्लीट करोगे. चलो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए बस इतना ही. अपना ख्याल रखोगे और बड़ों का कहना मानोगे. बाय बाय.